हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। मैं गगन कह रहा हूँ, तुहाडा अपने चैनल टेस्ट एंड ट्रेंड के उत्ते वेलकम करती हाँ। आई होप कि तुसी सारे जाने बहुत वधिया होवोगे। अज आपां तुहाडे लई लैके आए हैं बहुत पौष्टिक ते गुणकारी लड्डू। गर्मियों के अगर तुसी एक लड्डू रोज़ खाने हो तो तुहाडे सिर दर्द की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, अखां दे दर्द की प्रॉब्लम, तो वह लोग जिन्हां नूं रात नूं नींद नहीं आती उन्हां दीआं जिहड़ियां समस्यावां ने वह दूर होणगीआं। ये लड्डू खाण नाल तुहाडे शरीर दे विच एनर्जी भी बनी रहेगी, तुहाडा दिमाग भी तेज होवेगा, बच्चे भी इस लड्डू नूं खा सकदे आ, ते जिन्हां नूं जॉइंट पेन दी प्रॉब्लम इहनूं खा सकदे आ क्योंकि इहदे विच काफ़ी मात्रा दे विच कैल्शियम ते आयरन हुंदा है। हाँ जी, सब तो पहले आपां समग्री देखते हैं। ये आपां नारियल का बुरादा, थोड़े बदाम ते काजू, 30 ग्राम के करीब खसखस, एक कटोरी बेसन, एक कटोरी फुल मखाने, 4 चम्मच देसी घी, खरबूजे के बीज ते पंपकिन सीड्स, एक कटोरी जिहड़ी है आपां हाफ शक्कर दी लैनी है। हाँ जी, इत्थे आपां काली मिर्च जिहड़ी है हाफ चम्मच लैनी है। सब तो पहला आपां खसखस नूं ड्राई रोस्ट करांगे। खसखस जिहड़ी हुंदी है उहदे विच काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जिहदे नाल कि अपने शरीर के विच जाके रोगों नाल लड़न की जिहड़ी समर्था नूं वधाउंदी है। सिर दर्द के लिए बहुत वधिया हुंदी है। खसखस की तासीर ठंडी हुंदी है, इहनूं तुसीं गर्मियां दे विच खा सकदे हो, ते बहुत वधिया डाइटरी फाइबरस हुंदे ने इहदे विच। हाँ जी, 2 तों 3 मिनट के लिए आपां खसखस नूं मीडियम फ्लेम के उपर भुन्नांगे। जदों इहदा कलर चेंज हो जाए तो आपां इक बर्तन के विच इहनूं कढ लवांगे। इत्थे तुसीं देख सकते हो कि खसखस का रंग जिहड़ा चेंज हो चुका है, तो आपां इहनूं इक बर्तन के विच कढ लवांगे। नाल ही आपां जिहड़े आ बदाम ते काजू उन्हां नूं रोस्ट करांगे। उन्हां नूं रोस्ट करन दे लई इत्थे आपां हाफ चम्मच देसी घी पावांगे, जिहदे नाल कि अच्छी तरह दे नाल रोस्ट भी हो जाणगे ते इहनां दा टेस्ट भी वधिया आवेगा। बदाम जिहड़े हुंदे ने इहनां दे विच काफ़ी मात्रा दे विच डाइटरी फाइबरस पाए जांदे ने, काफ़ी सारे विटामिन हुंदे ने, ते बहुत ज़्यादा वधिया हुंदे ने अपनी बॉडी दे लई। अगर तुसीं चाहो तां तुसीं रात नूं भिओ के भी बदाम नूं यूज कर सकते हो। इत्थे 3 मिनट हो गए ने आपां नूं बदाम नूं रोस्ट करदे हुए, ते आपां इन्हां नूं भी एक बर्तन दे विच कढ लवांगे। पैन दे विच आपां थोड़ा जिहा देसी घी पावांगे, ते नाल ही आपां खरबूजे दे बीज ते पेठे दे बीज नूं रोस्ट करांगे। खरबूजे दे बीज जिहड़े आ अक्खां दे लई बहुत वधिया हुंदे ने, इहदे विच विटामिन ए काफ़ी मात्रा दे विच पाया जाता है। जिन्हां लोगों को मोतिए की प्रॉब्लम होंदी है उन्हां नूं जिहड़े खरबूजे के बीज जरूर खाने चाहिए ने, उन्हां लई बहुत वधिया हुंदे ने। तासीर दे विच जिहड़े हुंदे ने खरबूजे के बीज ते पेठे के बीज ठंडे हुंदे ने, इन्हां नूं भी आपां रोस्ट कर लिया ते एक बर्तन दे विच कढ लिया है। हांजी, पैन दे विच आपां थोड़ा जिहा ऑयल पाया है, ते उहदे विच आपां जिहड़े अपने मखाणिया नूं रोस्ट करांगे। मखाणे जिहड़े हुंदे इहनां विच हाई मात्रा दे विच जिहड़ा प्रोटीन पाया जांदा है, हड्डियां दे लई बहुत वधिया हुंदे ने क्योंकि इहदे विच कैल्शियम काफ़ी मात्रा दे विच हुंदा है। अगर जिन्हां दे शरीर दे विच वाधू सोजश आ, पानी है, उन्हां दे लई बहुत वधिया ने, वेट लॉस दे लई भी बहुत ज़्यादा वधिया हुंदे ने, ते जिन्हां नूं डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ उन्हां लई भी मखाणे बहुत वधिया हुंदे ने। 3 मिनट हो गए ने आपां नूं इन्हां नूं भुंदे हुए, ते आपां इन्हां नूं भी एक बर्तन दे विच कढ लवांगे। नाल ही आपां थोड़ा जिहा होर देसी घी इहदे विच पाया, ते इहदे विच आपां हुण जिहड़ा है सुक्का नारियल उहनूं भुन्नांगे। सुक्के नारियल जिहड़ा है बहुत ज़्यादा वधिया हुंदा है अपनी सेहत दे लई, इहदे विच भी एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जांदे आ जिहदे नाल कि इह अपने शरीर दे विच रोगां नाल लड़न दी समर्था नूं वधांदे आ। प्रैगनेंट लेडीज़ भी इहनूं खा सकदियां ने क्योंकि इहदे विच काफ़ी मात्रा दे विच आयरन हुंदी है, कैल्शियम हुंदा है, ते दिमाग नूं तेज़ करदे ने। जिन्हां लोकां नूं जॉइंट पेन दी प्रॉब्लम है उहनां लई भी बहुत ज़्यादा वधिया ऑप्शन है। इहनूं आपां 5 मिनट दे लई जदों तक अच्छी तरह दे नाल इह रोस्ट नहीं हो जांदा उदों तक आपां इहनूं पकावांगे। हाँ जी, इत्थे अच्छी तरह दे नाल रोस्ट हो गया, ते इहनूं इक बर्तन दे विच कढ लवांगे। दूसरी साइड जिहड़ा भी अपने कोल देसी घी बचिया है उहनूं आपां पैन दे विच पावांगे, ते नाल ही आपां इहदे विच बेसन ऐड करांगे। बेसन नूं आपां 5 तों 6 मिनट दे लई पकावांगे जदों तक अच्छी तरह दे नाल इहदा कलर चेंज नहीं हुंदा।
बेसन जिहड़ा है इहदे विच वी काफ़ी जिहड़े असेंशियल न्यूट्रिशंस हुंदे ने इह मैनेज करदा वा अपने ब्लड शुगर लैवल नूं ते अपने हार्ट जिहड़ी हार्ट दी हैल्थ है उहनूं वी इंप्रूव करदा है। इहदे विच एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हुंदियां ने बहुत वधिया हुंदा है अपनी सेहत दे लई। हाँ जी इत्थे आपां नूं 4-5 मिनट हो गए ने इहनूं कुक करदे हुए इहदा कलर वी चेंज हो चुका है। इहनूं आपां बिल्कुल स्लो फ्लेम दे उप्पर कुक करदे रहना है ते दूसरी साइड जिहड़ा है अपने कोल बाकी सारिया चीज़ा ने उन्हों का आप उन्नी देर तक पाउडर बना लें। तुम देख सकते हो कि ये अच्छी तरह के नाल जिहड़ा कलर यदा चेंज हो चुके है। हाँ जी जब तक इन आप बंद कर दें तो ठंडा होने लिए रख दें। दूसरी साइड आप सारी जी समगरी है अपनी उन्होंने आप ग्राइंडर जार के पा के पाउडर फॉर्म के लै आए। इतने आप खसखस में सब तो पहला ग्राइंड किया। बाकी जिहड़ा सारे अपनी चीज़ा ने बदम खसखस हो गई फुल मखाने हो गए वो सारिया चीज़ों आप ग्राइंड कर लेना। एक बर्तन के सारिया चीज़ों पा लिया है खसखस बदम नारियल का बुरादा सारा जिहड़ा है आपां इहनूं अच्छी तरह के नाल मिक्स कर देना है। नाल ही आपां जिहड़ी इत्थे शक्कर लई सी ओह इहदे विच पावांगे। शक्कर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली पानी है। तुसीं चाहो तां तुसीं मिश्री भी लै सकते हो मिश्री की तासीर भी ठंडी हुंदी है। अच्छी तरह के नाल शक्कर पा के आपां मिक्स करांगे। नाल ही आपां इत्थे जिहड़ा हाफ चम्मच जिहड़ा काली मिर्च का ऐड करांगे। काली मिर्च जिहड़ी हुंदी अखां लई बहुत वधिया हुंदी है। इत्थे सारियां चीज़ां नूं आपां अच्छी तरह के नाल मिक्स कर रहे हैं। अगर तुसी चेक करके दे सकते हो अगर तुहानू लगे कि जिहड़ी शुगर है वह घट है तो तुसी होर ऐड कर सकते हो इस पॉइंट के उपर ही। हाँ जी आप सारिया चीज़ों चंगी तरह के नाल मिक्स कर लिया है तो हुण आप जिहड़ा अपना बेसन तो देसी घी आप भुनिया सी उहनूं आप इहदे विच ऐड कर देवांगे। नाल ही आपां इहनूं अच्छी तरह के नाल मिक्स कर लेना है। आपां देसी घी की जिहड़ी क्वांटिटी है वह घट इसलिए रखी है क्योंकि गर्मियां ने तो गर्मियों के विच देसी घी नूं डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है इसलिए आपां उहदी मात्रा घट लईए। तो काफ़ी सारे लोगों जिहड़ा है वह देसी घी तो प्रॉब्लम हुंदी है जिन्हों कैस्ट्रोल की प्रॉब्लम होंगी है ता करके ही आपां देसी घी की मात्रा जिहड़ी घट लईए। इत्थे आपां हुण इन्हां दे जिहड़ा मिक्सचर अपना बन गया इहदियां आपां पिन्नियां वटांगे। इत्थे मैं पिन्नियां वट के जिहड़ियां लड्डू बना के तैयार कर लए ने। आसानी दे नाल जिहड़े लड्डू वटे जा रहे ने बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हुंदा है ते हैल्दी ऑप्शन भी है। आई होप कि तुसी इस रेसिपी नूं जरूर लाइक करोगे ते ट्राई भी करोगे ते मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट करके जरूर दस्सिओ कि तुहाडे लड्डू किस तरह के बने ते तुहानूं होर कि रैसिपी पसंद है तुसी कि रैसिपी देखना चाहते हो। थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई।